सेट है पहले से, ये पहले ठेकेदार सेट करने के बाद में क्या करते हैं, लोगों को काम नहीं देते, इनके ठेकेदार को बुलाते पहले आ जाइए इनके काम दे लो। मैं डॉक्टर अमीन आरनोरे, आम आदमी पार्टी नागपुर शहर जनरल सेक्रेटरी। आज जे लोक इथे जमलेले आहेत, पंजाबी लाईन, बोरकर गली, गुरुद्वाराची लाईन, जवळपास 4 ते 5 निवेदन या लोकांनी दिले आहेत। त्यांच्या घरासमोरची त्यांच्या लाईनमधली गडरीची लाईन नादुरुस्त आहे, फुटलेली आहे, आणि त्याच्यामुळे जो सांडपाणी तिथे जमा होत आहे, लोकांच्या घरी जात आहे, आणि आज संपूर्ण नागपूर हा चिकनगुनियाच्या विळख्यात आहे, डेंग्यूच्या विळख्यात आहे। मी एक डॉक्टर आहे, मला माहीत आहे नंबर ऑफ पेशंट्स किती वाढलेले आहेत चिकनगुनियाचे, आणि जर गडरीचं पाणी जर लोकांच्या घरापर्यंत पोहोचत आहे, रोडवर आहे, तर निश्चितच त्याच्यामुळे मनपा एका साईडला जाहिरात देते की घरी सांडपाणी नका जमा करू, कूलरचं पाणी टाकी उलटी करून ठेवा, आणि लोकांच्या घरात गडऱ्या जे आहेत ते ओपन आहेत, तुटलेले आहेत, त्यातला पाणी लोकांच्या घरी पोहोचत आहे ते त्यांना दिसत नाही आहे। लोक वारंवार निवेदन देत आहेत की आमच्या या गडर आहेत, गडर लाईन जे आहे ते दुरुस्त करून द्या, यांची काही खूप मोठी डिमांड नाही आहे, कुठला काही मागत नाही आहे, मनपाच्या हाते जे काम आहे तेवढंच कम्प्लीट करून मागत आहेत, आणि त्याच्यासाठी इतका वेळ घेत आहेत, दिरंगाई दाखवत आहेत, म्हणजे पैसे अलॉटही झाले असतील तरी अजूनपर्यंत ते दुरुस्त नाही केले, याच्यावरनं त्यांची मनशा समजून येत आहे। मेरा नाम सुनील मैथ्यू, मैं एक आम आदमी पार्टी का एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। अब विषय ऐसा गंभीर है कि ये मंगलवारी झोन के अंदर में जब भी प्रभाग नंबर 1 की समस्याएं लेकर हमने आए यहाँ पर, तो अधिकारीगण सबसे पहले नंबर 1 मिलते नहीं, पहला बात। दूसरी बात, वो अधिकारी जिस अधिकारी के बारे में बात कर रहे हैं वो अधिकारी तरीके से बात नहीं करते। तीसरा विषय ये जो आपने बोला है मेरे को ठेकेदारी पद्धति का, हमारी फाइल मेरे पास घर में फाइल पड़ी, 3-3, 4-4 फाइल, यहाँ से फाइल अधिकारियों ने साइन पास करके मार के रेडी रखा है। जेई साइन मार देते, डिप्टी साइन मार देते, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर आगे फाइल जाती नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के पूर्व जो नगर सेवक है उनका इनका दलाली खाने का पहला सिस्टम बना हुआ, एक उनसे, दूसरा कुछ ठेकेदार बने कार्पोरेशन महानगर पालिका के अंदर में, वो क्या करते हैं पहले से इनको 10 से 20% पहले से पैसा सेटअप रहता है, उनकी फाइलें अपने आप पास हो जाती है, पहले से पास हो जाती, दूसरा कोई विषय नहीं, ठेकेदार पहले से देते, ये लोग पैसे जेब में ले लेते हैं, आप लोग चक्कर पे चक्कर काटते रहो, ये सुनते नहीं कभी। और उसके बाद अभी लेटेस्ट की अगर आपके पास चल रहा है तो मेरा 10 मिनट के लिए चलिए, 10 मिनट के लिए चाहिए चलिए, केवल इतना बड़ा कब्रस्तान है जरीबड़ का नंबर, प्रभाग नंबर 1 में, उसकी दीवार टूटी पड़ी है मैडम, और दीवार टूटी पड़ी हुई उसके बाद 10 लाख की फाइल रेडी है, लेकिन यहाँ से वो फाइल पास होने को ये बोलते वो अधिकारी साइन नहीं कर रहा, वो हमें ये बताइए, जनता ये घूमते रहेंगी, ये टैक्स किस बात का ले रहे, इनको 1-1 लाख रुपए पगार किस बात की है, ये पगार तो हमारे टैक्स का पैसा ले रहे ना, ये दलाली भी खा रहे जबरदस्त में और पैसा भी ले रहे हमारे से, और हमारे को काम करने से इनके पास तकलीफ नहीं है। प्रभाग 1 के अंदर में ये जो है हमारी बहनें बोल रही है, ये हमने NMC में आकर इतना तंग हो गए, 12 से 15 बार मैंने इनके अधिकारियों को फोन किया, खुद आके डेप्यूटेशन देता हूँ, पर कोई भी ऐसा अधिकारी नहीं जो सपोर्टिव हो, कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई मतलब जो हमारे नगर सेवक है वो उपलब्ध नहीं है। इसलिए पिछले 8 वर्षों से क्या काम किया इन्होंने उसकी कोई माहिती नहीं है किसी के पास भी, इनको अगर काम के लिए बुलाया जाए तो ये आते नहीं है बिल्कुल भी, जब भी इनसे मिलना रहो तो जिस प्रकार से अभी हो रहा है कि साहब अभी मिल नहीं सकते यही सब बोल के भगा दिया जाता है, आम जनता को लूट रहे हैं, कोई काम नहीं हो रहे। हमारा एरिया है पंजाबी लेन करम सिंह की चाल, जहाँ पे हर घर में एक व्यक्ति बीमार है इस गंदगी के वजह से। इनको सिर्फ एक ही बहाना है कि रेलवे की बाउंड्री लग गई है तो हम काम नहीं करेंगे, रेलवे ये नहीं बोलता है कि हमारे इधर मैन्युअली काम मत करो, झाड़ू मत मारो, पिछले 100 साल से वहां मीटर लगे हुए तो वो मीटर का जो टैक्सेस वगैरह सब जाते वो तो जा रहे है, पर वो लेने के लिए इनको अच्छा है। ये भूषण गजबी जो है ये एक ऐसा अधिकारी है यहाँ का जिसके ऊपर कई आरोप है, ये हर यहाँ के जो काम करने वाले लोगों से 7,000 रुपए लेता है अलग से, और उनको भी बोलता है तुम घर में बैठो काम मत करो, ये सबसे नीच अधिकारी है यहाँ का, इसके ऊपर कई आरोप है, ये कभी जनता के सामने नहीं आता, ना कभी फील्ड पे दिखेंगे आपको, ना इसके पास कोई हुनर करने का, इसको हटाओ और NMC मंगलवारी जोन को बचाओ, ये अधिकारी काम करने के लायक नहीं है, बिल्कुल भी काम करने लायक नहीं है। आज हम सदर के जोन पे आए हुए हैं और आप जैसे कि देख रहे हो पूरी पब्लिक आज हमारे साथ आई है, कम से कम 100 से ज़्यादा पब्लिक आज हमारे साथ है। प्रभाग 9 में
प्रभाग 9 में सीवर लाइन की समस्या लगभग 35 साल से है, और इसमें से भी विशेष दो एरिया जो है, इस दो एरिया में अभी तक इनका कोई काम नहीं हुआ। एक है बोरकर चाल और दूसरा है करम सिंह नगर, करम सिंह चाल। ये दोनों चाल में ये अधिकारी के जितने लोग आते एक काम हुआ नहीं होता है। देखिए कैसा है, अभी जैसे जैसे पद में कोई एक पावरफुल होते जाता है, जैसे बोलते हैं कि एक किसी का जब शासन हो जाता है ना, तो उनके लोग वहाँ दीमक की तरह चलते हैं, दीमक की तरह उस जगह को खा जाते हैं। वैसे ही बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता यहाँ ठेकेदार बन के बैठे हैं और इनकी साठगांठ यहाँ के अधिकारियों से।